पद्मावती फिल्म को लेकर राजपूत समुदाय में पनप रहे रोष का असर नूरपुर में भी देखने को मिल रहा है। फिल्म की रिलीजिंग के विरोध में राजपूत सभा नूरपुर के एसडीएम नूरपुर आवेद हुसैन सादिक के सौजन्य से प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है। सभा के चेयरमैन मनोज पठानिया के नेतृत्व में क्षेत्र के काफी संख्या में राजपूत समुदाय के लोग संयुक्त कार्यालय में एकत्रित हुए हैं और संजय लीला भंसाली के विरोध में नारेबाजी की। सभा के चेयरमैन मनोज पठानिया ने ज्ञापन सौंपने के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि फिल्मी जगत द्वारा हमेशा ही राजपूत समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमेशा से राजपूती इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर मनोरंजन के नाम पर परोसा जाता रहा है। फिल्म पद्मावती को लेकर उन्होंने कहा कि इस फिल्म को रिलीज करने से पहले इसे इतिहासकारों और रानी पद्मावती के वंशजों को दिखाना जाना चाहिए और उसके बाद ही इसे रिलीज किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर बावजूद इसके फिल्म रिलीज की जाती है तो आज तो राजपूत सभा के सिर्फ पदाधिकारी पहुंचे हैं, बाद में संपूर्ण राजपूत समुदाय सड़कों पर उतरने को बाधित होगा। उन्होंने ज्ञापन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि मनोरंजन के नाम पर इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए जिससे किसी की भावना आहत न हो। श्री राजपूत सभा नूरपुर के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने दो दिन पहले एक मीटिंग की है जो पद्मा जी का जो फिल्म का एपिसोड आजकल चल रहा है उसमें राजपूत समाज जो है उनको बहुत आपत्ति है। उसके बारे में हमने एक ज्ञापन जो है आज राजपूत सभा के पदाधिकारियों द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एसडीएम साहब के माध्यम से दिया गया है, उसमें हमने ये मांग की है कि ये जो फिल्म रिलीज होने वाली है इसको पहले इतिहासविद जो हैं या हमारे राजपूत समाज के जो सीनियर लोग हैं उनके खानदान के जो लोग हैं पद्मावती जी के उनको पहले फिल्म को दिखाया जाए, उसमें जो भी आपत्तिजनक चीज है उसको काटा जाए, उसके बाद ही इस फिल्म को रिलीज किया जाए। हम किसी चीज का बेवजह फायदा नहीं उठाना चाहते। आज सिर्फ पदाधिकारी यहाँ पे आए हैं, कल को अगर हमारा समाज हमें बोलता है कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, जब फिल्म में कांड शांड जो करने को हम बोल रहे हैं वो नहीं हुई है, तो ये सारे राजपूत जो है हम पूरी बरादरी को इकट्ठा करेंगे और जहां पे भी धरना प्रदर्शन जब फिल्म बंद करवाने की बात आएगी तो हम सब लोग जो मिलकर वो करेंगे। जहां तक सेंसर बोर्ड का सवाल है, सेंसर बोर्ड के पास भी कोई ज्यादा अधिकार नहीं होते हैं, वो उनको हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, वो तो एक शब्द वहां पे लिखवा देंगे कि ये फिल्म काल्पनिक है, उससे जो है हमारा काम नहीं बनता है। हमारी जो है इज्जत वो बरकरार रहनी चाहिए, ये सिर्फ राजपूतों की बात है। अगर राजपूतों के अलावा कल को किसी और के साथ भी कि जिसमें हमें पता लगे कि हिस्ट्री से छेड़छाड़ की जा रही है वो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आजादी के नाम पर ये चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।